हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं रादौर के अलमोहा गांव में एक 11 साल के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि ये बच्चा घर पर अकेला था और चलते कूलर से पानी निकाल रहा था। इस दौरान बच्चा कूलर की चपेट में आ गया और करंट लगने से बेहोश हो गया, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। बच्चा आया है, 11 साल का है, रूपांश के नाम से। इसके माता पिता इसको लेके आए हैं और इसको ये बताया गया है कि इसको बिजली का झटका लगा है कूलर में पानी डालते हुए। तो जैसे ही हमारे पास आया उस टाइम से ही ये ब्रोन डेड था और अब हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दी है और पुलिस आके अब आगे कार्रवाई करेगी। और लोगों से भी यही अपील है कि छोटे बच्चों को बिजली का कोई भी काम हैंडल ना करने दिया जाए उनको खुद से, या फिर आपके पास ना भेजा जाए किसी भी ऐसी चीज़ जिससे उनको हानि हो सकती है, उन चीज़ों से उनको दूरी रखना चाहिए।